अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कश्मीरी मुंडे व्लॉग्स। आज हमारा व्लॉग नंबर 4 है। तो आज का व्लॉग बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि हमारे इस एरिया में 1971 से पहले का एक टेंपल है इंडिया का। वो टेंपल बेसिकली 1971 से पहले, जब इंडिया का इस एरिया पे हुकूमत थी इंडिया की, उससे पहले का वो टेंपल है। तो हमें हसनैन भाई और लुकमान भाई कोशिश करेंगे हम उस जगह पे जाएं। जी माद भाई, उसके साथ ना एक मस्जिद भी है उस टाइम की, तकरीबन 1971 या फिर 1979 तकरीबन इस टाइम की मस्जिद भी है। इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे कि जी इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। और हम तीनों बैठ चुके हैं बाइक के ऊपर और अब आपको रास्ते में दिखाएंगे। तो टेंपल की तरफ जा रहे हैं बेसिकली, उसके अलावा भी हम ट्राई करेंगे हम आपको मस्जिद करें दिखाएँ, और उसके अलावा अगर कोई चीज़ और एक्सप्लोर करने वाली हुई हम वो भी मस्जिद एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, तो आप हमारे पीछे एक रेलिंग देख रहे होंगे, बेसिकली ये एक मीनार टाइप बना हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर बना हुआ है। तो इस मीनार की एक अपनी एक अहमियत है हमारे इस इलाके में, हमारे इलाके की एक पहचान है ये मीनार। दूर दूर से बाज़ का लोग आते हैं इस मीनार को देखने। तो चले जी, हमने मीनार तो आपको दिखा दिया है, इसके बाद हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे। रहमान भाई हसनैन भाई को साथ लेके हम आगे टेंपल की तरफ जाएंगे, उसके अलावा मस्जिद वगैरह को भी देखेंगे जिसके बारे में हसनैन भाई ने हमें बताया। तो बाकी आपसे आगे चल के मुलाकात होती है। ये है जी मंदिर जिसका मैंने आपको बताया था। तो ये मंदिर है जी 1971 से पहले का। ये जो सा मंदिर है, ये जो सा मंदिर है, इसका मंदिर का नाम है जो सा ये राधा कृष्ण मंदिर है। ये इलाका 1971 की जंग से पहले इंडिया के कब्जे में था। तो उस टाइम तक ये टेंपल बना हुआ है, तो जो कि आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसकी रेनोवेशन और इसकी मेंटेनेंस के ऊपर काफ़ी खास तवज्जो दी जाती है। ये जो सा इलाका है, ये 1971 के बाद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आया हुआ है। ये इसके और इस इलाके के इर्द गिर्द ना एक गांव है जिसे चक पंडित के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस गांव का जो सा नाम है ना, वो एक ब्राह्मण पंडित है, जमवाल ब्राह्मण पंडित के नाम पर इस गांव का नाम है। तो बाकी आप देख सकते हैं पीछे, लुकमान भाई आपको दिखाएँगे जी, काफ़ी ये टेम्पल जो सी अपनी असल हालत में मौजूद है। तो इस टेम्पल को एक्सप्लोर करने का हमारा मकसद यही है कि हम अपनी पुरानी जो सी यादगारें हैं अपने इस एरिया में, हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। हम आपको अंदर से भी जाके ये मंदिर दिखाएंगे। तो लुकमान भाई आ जाएं अंदर, अंदर मंदिर दिखाते हैं। अच्छा जी, मंदिर के हम अंदर आ चुके हैं, स्नैन भाई भी साथ हैं और लुकमान भाई भी साथ हैं। मंदिर के अंदर तो बेसिकली कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब कि आगे इसके कोई ऐसा कोई द्वार वगैरह भी नहीं है कि अगर इस मंदिर को बंद रखा जाए, ये ओपन ही रहता है। तो इसके अंदर मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि शायद मेंटेनेंस के बाद इन चीज़ों को यहाँ से उठा दिया गया है। तो बाकी मंदिर आप देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है इसमें लोगों का आना जाना अक्सर लगा रहता है, क्योंकि एक यादगार तारीखी जगह है, तो इस वजह से अक्सर लोग यहाँ पर आते जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये भी गुजरात से लोग हैं, ये हमारा जो पाकिस्तान तो गुजरात है, इससे लोग ये देखने हुए इधर आए हैं। मस्जिद के अंदर हम आ चुके हैं, ये वो मस्जिद है, इसको पाकिस्तान आर्मी ने कायम दायम और आबाद रखा हुआ है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, 1975 में ये तामीर की गई है। तो एक खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मस्जिद है। तो इस मस्जिद की तामीर पर काफ़ी मेहनत की गई है।
जी तो अभी एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, हम मस्जिद देख के बाहर निकल रहे थे तो हमारी बाइक हो गई जी पंचर, अब हमें पैदल जाना पड़ेगा आगे तक, पंचर वाली दुकान पर जाना पड़ेगा। हसनैन भाई को हमने बाइक दी हुई, हसनैन भी लेके जा रहे हैं आगे तक, तो हम इनके साथ पीछे चले जा रहे हैं। तो हसनैन भाई जा रहे हैं जी बाइक लेके और हम पैदल आ रहे हैं। हसनैन भाई आप चले, हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। अच्छा जी, अच्छा जी, घर की तरफ वापसी पे जाते हुए हमें यहाँ पे एक खेत मिला जहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है। हमारे दोस्त भाई हैं उमर भाई, उमर भाई भी हमें रास्ते में साथ मिले, तो कह रहे थे कि आप आएँ तो हम यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह भी देखते हैं और अंकल वगैरह भी काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उनके साथ भी थोड़ी सी बात वगैरह करें। तो वैसे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम घर की तरफ जा रहे थे तो हम आपको ट्यूबवेल पर चल के